आज़ान की सदा बुलंद हुई और नमाज असर से इब्तदा की। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी गुड। वंस अगेन आई एम हियर विथ यू, दिस इज़ मोहम्मद जाकिर ज़िब्बी एंड यू आर वॉचिंग मोहम्मद जाकिर ज़िब्बी यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम हियर एट द मंचोरा डैम प्रोजेक्ट एट उकी एंड टुडे आई विल टेल यू ऑल द ब्यूटिफुल सीन्स ऑफ मंचोरा डैम्स प्रोजेक्ट। ये मंचोरा डैम प्रोजेक्ट जो कि करंटली काम ज़ोरों शोर से जारी है, और आइए हमारे साथ रहिए, हम आपको मुख्तलिफ मनाजिर से आगे। और नाजरीन आप ये मराहिल देख रहे हैं, एक खूबसूरत मरहला जिसमें ग्रंथ पत्थरों को अपने तरीके से दबोच रहा है और खुराक के लिए उसे मुनासिब पीसेस में तब्दील कर रहा है। खूबसूरत मराहिल जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। और नाजरीन इस वक्त मैं मंचोरा डैम के संगम पे वाकिया एक खूबसूरत नहर उसमें मौजूद हूँ, और आप ये खूबसूरत मनाजिर मंचोरा डैम का दूसरा मरहला आप देख रहे हैं, खूबसूरत मराहिल। आइए आपको इन मराहिल से आगाही देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि पत्थरों में से पानी अपना रास्ता चीरता हुआ अपने मंजिल की तरफ रवा दवा है, और ये मराहिल आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि मंचोरा डैम के हुस्न को एक दफ़ा फिर दोबाला कर देते हैं। और ये एक प्राइसलेस व्यू आपको देखने को मिल रहा है, अनप्रेसिडेंटेड व्यू ऑफ द मंचोरा डैम। और व्यूवर्स ये आप तारीख़ी और एक अजीम शान पुल आपको देखने को मिल रहा है जो कि कुछ ही अरसे बाद मसमार किया जाएगा। डैम को कंस्ट्रक्शन वर्क कम्प्लीट होने के बाद इसको मसमार करके इसके ऊपर डैम बनाया जाएगा, जो कि एक खूबसूरत मंजर और बहुत पुराना ब्रिज पुल है, और इसको डैम बनाने के बाद तोड़ दिया जाएगा और इसके मुतबादिल दूसरा रास्ता कॉलेज के ज़रिए दूसरा रोड बनाया जाएगा जो कि सीधा आपको उग्गी मार्केट से, उग्गी बाज़ार से कनेक्ट करेगा। जी नाज़रीन आप देख रहे हैं पथरीला इलाका, और इसके चोटी पर क्रेन जो कि रास्ता हमवार करके गाड़ियों के लिए और मुख्तलिफ सामानी ज़रूरियात को अपने मकाम पर पहुंचाने के लिए रास्ता साफ़ कर रहे हैं, ट्रक के लिए और दूसरे गाड़ियों के लिए जो कि फिर सामानी ज़रूरियात जो है अपनी मंजिल तक, अपने मकाम तक पहुंचाते हैं। और नाज़रीन ये आप देख रहे हैं मंचोरा डैम के प्रोजेक्ट के मुकम्मल कामों का एक ग्रोह जो कि अपने अपने कामों पर मामूर है। कुछ कैंपिंग लगाए हुए क्रेन्स और मुख्तलिफ ट्रैक्टर्स और बसेस, ट्रक्स जो कि अपने काम को, और ये एक जाल बिछा हुआ है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और खूबसूरत मराहिल आपको देखने को मिलेंगे जब ये डैम मुकम्मल हो जाएगा, सियाहती हवालात से एक दफ़ा फिर उग्गी को फ़रोग मिलेगा, यहाँ पर सियाहती मकामात एक दफ़ा फिर इंक्रीज़ हो जाएंगे, और अलॉट ऑफ टूरिस्ट और ट्रैवलर विल कम हियर फॉर इंजॉइंग अलॉट। ये आप जूम करके देख सकते हैं किया जाता। जी नाज़रीन ये एक दूसरा मरहला आप देख रहे हैं जिसमें एक स्लोप बनाया है पानी की बहाव को तेज़ और रोकने के लिए, ताकि पानी का बहाव कायम रह सके और डैम का जो मकसद है वो पूरा हो सके। और नाज़रीन ये आप देख रहे हैं मंचोरा डैम की नहर का तीसरा मरहला जिसमें पानी बहुत ज़ोरों शोर से और अपनी आवाज़ों के साथ पत्थरों को चीर कर अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। और कुछ दोस्तों नहर में आए हुए मिट्टी और रेत को अलग कर रहे हैं ताकि पानी का रास्ता कोई रोक ना पाए, वैसे भी पानी का रास्ता कौन रोक सकता है। और नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि जब यह डैम अपनी नशिस्त को मुकम्मल कर लेगा
तो ये सियाहत के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मकाम बन जाएगा और यहाँ पर एक अलॉट ऑफ टूरिस्ट और ट्रैवलर आपको देखने को मिलेंगे। क्या हाल है आपका, ठीक हो? खाई जोड़े कब्जे की बातें की गई? हाँ, मंचूरा की बातें की गई। चलो